नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अनु किचन में आप लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज घी निकालूंगी क्योंकि मेरा पूजा का घी खत्म हो गया है। इसीलिए मैं सोची आज 4-5 दिन का मलाई रखी थी फ्रिज में, वो निकाल के रखी और मैं सोची घी बनाऊंगी, तो थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ, वीडियो ही बना लेती हूँ। मैं सबसे पहले इसको हाथ से मल लेती हूँ। ये मलाई बहुत अच्छा है, गाय का है, गाय का दूध लेती हूँ तो फिर मलाई नहीं खाते हैं हमारा घर में कोई, इसलिए मैं इसको जमा करके जाती हूँ और फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं इसको घी निकाल लेती हूँ ताकि पूजा के लिए हो जाए। बस यही है। हमारे बच्चे घी बहुत पसंद करते हैं। अब ये मेरा हो गया है, चलिए आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। बहुत लोगों ने तो बहुत तरीका से घी निकालते हैं, मैं तो मेरा मलाई थोड़ा कम है इसीलिए मैं आसान उपाय से थोड़ा घी निकाल लेती हूँ। और मैं ऐसे ही निकालती हूँ, पहले भी निकाली हूँ लेकिन मैं आज जैसे निकालूँगी ऐसे पहले भी निकालती थी, इसलिए वही दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैं घी निकाल मलाई कढ़ाई में डाल रही हूँ। देखिए मेरा घी धीरे धीरे उबल रहा है, इसको हिलाते रहना है नहीं तो नीचे लग जाएगा। उबल रहा है, आँच को तो पहले थोड़ा ज़्यादा करके देना है ताकि अच्छा से उबल जाए, उसका बाद थोड़ा कम करके देना है नहीं तो नीचे जल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके का हो रहा है, धीरे धीरे घी निकालना शुरू हो रहा है। मैं ये मलाई को लास्ट में थोड़ा लाल कर दूंगी, ब्राउन जैसा कर दूंगी, तभी जाके पूरा घी निकलेगा अच्छा से। और वो घी जो मलाई को लास्ट में लाल कर देते हैं, ब्राउन कर देते हैं, वो घी बहुत दिन तक खराब नहीं होता है, 5 साल तक घी खराब नहीं होता है अच्छा से पकाने से। मैं जो पहली बनाती थी बहुत दिन तक चलते थे क्योंकि मैं उसी तरीका से ही बनाती थी, मलाई को मैं लास्ट में एकदम ब्राउन कर देती थी, एकदम से मतलब पूरा ब्राउन नहीं करना है, फिर भी थोड़ा गोल्डन कलर आने तक इसको पकाना है। देखिए यह घी निकालना शुरू हो गया, घी सो रहा है, मलाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए कितना अच्छा से घी निकल रहा है, और चम्मच को तो हिलाते रहना है, सलाते रहना है नहीं तो नीचे लग जाएगा। इस तरीके से लाते रहो। देखिए और नीचे लग गया तो कढ़ाई भी जल्दी साफ नहीं होता है, इसीलिए हिलाते रहो, नीचे भी नहीं लगेगा
और घी भी अच्छा से निकलेगा। देखिए मेरी मलाई ब्राउन हो रहा है, इसको और थोड़ा करना है। देखिए कितना अच्छा घी निकल रहा है। देखिए दोस्तों मेरा मलाई ये ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए ब्राउन हो गया। अभी ये घी अच्छा से पक चुके हैं और ये बहुत दिन तक ख़राब भी नहीं होगा, बहुत दिन तक चलते हैं। ऐसे मलाई को थोड़ा इतना तक ब्राउन करना है। देखिए अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी और धीरे धीरे ये कचरा नीचे चला जाएगा, ऊपर का घी निकल जाएगा। तब मैं सानने से इसको सान के निकाल लूँगी। देखिए दोस्तों मैं अभी सान लेती हूँ। देखिए दोस्तों मेरा घी निकल गया है। देखिए कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा खुशबू है। खुशबू से खाने के लिए मन होता है, किसी में लगा के डाल के खा लूँ। देखिए कितना अच्छा है, अच्छा लगते हैं ना घर का कुछ मिलने से। देखिए ये तो शायद 250 ग्राम घी निकल गया। अब मैं इसको और एक बार सानूंगी, क्योंकि नीचे जो ये कचरा गिरे है ना, इसको मैं और एक सानने से सान के इसको हटा दूंगी। अब मैं ये सानने से ये मक्का में सान लूंगी और ठंडा होने से डब्बी में डाल दूंगी। ये देखिए देखिए कितना कचरा निकला है, अब थोड़ा भी कचरा नहीं बचे हैं। अच्छा से घी निकल गया। देखिए कितना प्योर घी निकल गया है मेरा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और पहली बार देखी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके थैंक यू, बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।